सो व्हाट्सएप एवरीबॉडी, कैसे हो सबके सब। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि डीएसयू की तरफ से आया है। हमारे ओरिएंटेशन प्रोग्राम से रिलेटेड एक नोटिस आया, आप सभी को सुबह पता चल गया होगा। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे, नीचे की तरफ चलोगे, आप सभी को जो आपका ये वाला जो वेबसाइट है, मतलब कि एडमिशन पोर्टल, यहाँ पे अगर आप जाओगे तो आपके पास ये वाला नोटिस आया। ठीक है, ये वाला नोटिस आप सबका, ये जो नोटिस है ओरिएंटेशन प्रोग्राम से रिलेटेड है। बेसिकली यहाँ पे इस वीडियो में इसी चीज का डिस्कस कर लेते स्टार्टेड। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बेसिकली एक ही पेज का ये नोटिस है। एंड यहाँ पे आपको क्या क्या एक एक मतलब समझाऊंगा। एंड बेसिकली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, तो ध्यान से इस वीडियो को समझना। ठीक है, सो देखो यार, यहाँ पे सबसे पहले जो लाइन है आप सभी के, यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि ये जो नोटिस है यार बेसिकली आप सभी का किसके लिए है, फुल टाइम डिप्लोमा कोर्सेज और पार्ट टाइम डिप्लोमा प्रोग्राम्स के लिए है। और ये नोटिस बेसिकली किस टॉपिक पे है, ये आपका रिकॉर्डिंग फॉर द रिपोर्टिंग। ठीक है, रिपोर्टिंग के पर्पज से ये है, मतलब कि आपको कॉलेज के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले बता दूं आप सभी को, जो कैंपसेस है यार वो ओपन हो चुका है आप सभी के लिए। बट यहाँ पे जो कैंपस ओपन हुआ है यार, वो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं हुआ है। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं हुआ है। आप सभी अगर कॉलेज को आपको एक्सप्लोर करना है तो आप यार वहां पे जा सकते हो कॉलेज के लिए। एंड वहां पे जाके कोई आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप जाके उस चीज को एक्सप्लोर कर सकते हो, वो कैंपस किस प्रकार से दिखता है, उसका क्या क्या फैसिलिटी है, दिस टाइप करके आप सभी को पता लगा सकते हो। ठीक है, बेसिकली तो एंड बाकी जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम है आप सभी का, जो 18 नवंबर से लेकर 24 नवंबर तक आप सभी का जो यहाँ पे ओरिएंटेशन प्रोग्राम है वो स्टार्ट हो रहा होगा। ये टेंटेटिव स्केड्यूल है, याद रखना ये टेंटेटिव स्केड्यूल है, ये फिक्स नहीं है, इसमें कुछ भी चेंजेस हो सकते हैं। ठीक है, और बाकी के जो सारी चीजें हैं यहाँ पे ईमेल के थ्रू बताया जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली इनका ये मतलब है। अब भैया इन्होंने 8-6 दिन का क्यों प्रोग्राम रखा हुआ है आपका ओरिएंटेशन प्रोग्राम से रिलेटेड। देखो यार, बेसिकली मेरे हिसाब से ये जो आपका ओरिएंटेशन प्रोग्राम होगा ना, ये मेरे हिसाब से ऑनलाइन मोड ही होगा, जिस प्रकार से आप सभी का मैंने एक वीडियो बताई थी प्रीवियस वीडियो में। अगर जाके नहीं देखी है लास्ट वीडियो तो जाकर देख लें, लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग मैंने बता रखा था आप सभी का जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम था लास्ट ईयर किस प्रकार से होता है, 3 दिन का। ठीक है, तो 3 से 4 दिन का ही आपका ओरिएंटेशन प्रोग्राम होगा, और बाकी के दिन जो होगा आपका, बाकी के दिन आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को ये लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, बेसिकली 6 दिन के अंदर अंदर ये सारा चीज अब निपटा दिया जाएगा मेरे अकॉर्डिंग, अगर हो सकता है ऐसा। ठीक है, जस्ट एक क्लैरिफिकेशन दे रहा हूँ, एक ऐसा जस्ट अनुमान लगाया जा रहा है कि इस प्रकार से आपका कुछ हो सकता है। ठीक है, तो आप सभी को क्या है, यहाँ पे पहले बता दिया आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद जाके आप सभी का यहाँ पे जो होगा ओरिएंटेशन प्रोग्राम होने वाला है बेसिकली। ठीक है, उसके बाद जो अब आपकी जो कॉलेजेस है वो 28 नवंबर से जो है स्टार्ट हो जाएगा। 28 नवंबर से आप सभी के जो कॉलेजेस है वो स्टार्ट हो जाएगी, आपकी ओरिएंटेशन प्रोग्राम 24 नवंबर तक चलेगा, और 28 नवंबर से आप सभी का यहाँ पे जो होगा कैंपस स्टार्ट हो जाएगा। फर्स्ट सेमेस्टर की जो बैलेंस फीस है जिसको बची है वो भर देना। बेसिकली यार ये जो है, यहाँ पे काफी बच्चे कंफ्यूजन में, भैया हमारी जो बैलेंस फीस है, हमारी जो बैलेंस फीस है यार वो तो कितनी भरनी है, ठीक है, वो तो हमारे में आई नहीं है। तो यहाँ पे बताना चाहता हूँ यार आपसे, जो डिप्लोमा प्रोग्राम से, जो फुल टाइम डिप्लोमा प्रोग्राम वाले बच्चे हैं, उनकी बैलेंस फीस नहीं है, उनकी कोई भी बैलेंस फीस नहीं है। क्यों नहीं है भैया? क्योंकि यार उनका जो, देखो उनका जो 16,000 के आसपास कुछ आपका वो है, ठीक है, मतलब ईयरली फीस है, तो आपका 7,500 के आसपास यहाँ पे सेमेस्टर फीस होती है, और 7,500 रुपए वो ऑलरेडी ले चुके हैं। तो इस केस में आपका जो बैलेंस फीस है वो नहीं बनता है फॉर द डिप्लोमा प्रोग्राम्स ओनली। ठीक है, फॉर ओनली डिप्लोमा प्रोग्राम्स, फुल टाइम डिप्लोमा कोर्सेज की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, और बाकी जितने भी है लेटर एंट्री वाले, उन सबकी तो बैलेंस फीस ऑलरेडी है, उनके क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, और वहाँ पे जो प्रोग्राम से उन सभी का बैलेंस फीस आएगा, बट फुल टाइम डिप्लोमा कोर्सेज का कोई भी बैलेंस फीस नहीं है, पहले बता रहा हूं। ठीक है, और उसके बाद जो है, उसके बाद क्या लिखा है यहाँ पे, जो ऑनलाइन मोड है वो कब से को बैलेंस फीस अगर किसी को बचता है तो 21 नंबर से लेकर 25 नंबर तक आप वो दे सकते हो। ठीक है, मतलब कि 28 नंबर से पहले पहले वो सारी जो चीजें हैं वो निपटाना चाहते हैं, एंड सारी चीजें हैं कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये जो चीज है ये आपके प्राइवेट कॉलेज के वालों के लिए, प्राइवेट कॉलेज वालों के लिए जो कि आपके प्राइवेट वाले पे एडमिशन ले चुका है, जो जैसे कि छोटू राम हो गया, आदित्य इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हो गया, तो उसको क्या करना है, वहां पे वो वाले जो बच्चे हैं उसको आपका जो फिजिकली है उस कॉलेज में जाना पड़ेगा, और इसी डेट्स में आप जा सकते हो, और वहां पे आपको जो अकॉर्डिंग टू टेंटेटिव स्केड्यूल है उनका, उनका बेसिकली इसका जो स्केड्यूल है ना, मैं बता रहा हूँ प्राइवेटली कॉलेज का, उनका 1 नवंबर से है। मैं कल वीडियो डाल दूंगा बेसिकली ये वाले जो उनका टेंटेटिव स्केड्यूल आया है प्राइवेट कॉलेज के लिए, और इससे उनका अनुभव लग जाएगा आपका सरकारी कॉलेज का भी, मतलब कि गवर्नमेंट कॉलेज डीएसयू का भी, कॉलेजेस का पता लग जाएगा कि बेसिकली इनका कब है। ठीक है, तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा कि इस नोटिस में बेसिकली है क्या, आप सभी को जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है प्लस में आप सभी का जो जितने भी ये चीज है, मतलब कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्लस में आपका जो यहाँ पे ओरिएंटेशन प्रोग्राम है वो सारी जो चीजें हैं ये 21, 28 नंबर लेके 24 नंबर तक के अंदर ही अंदर, एक हफ्ते के अंदर सर
सारा चीज निपटा दिया जाएगा, ठीक है। और ये जो चांस है यार ऑनलाइन मोड होने का ज्यादा चांस है आप सभी को ओरिएंटेशन प्रोग्राम, तो मेनली आपका ओरिएंटेशन प्रोग्राम ऑनलाइन मोड होगा तो आपका आईडी पासवर्ड जूम के लिंक आप सभी का जो है वो ईमेल कर दिया जाएगा। ईमेल की चिंता मत करना, 18 तारीख से पहले पहले आप सभी का ईमेल आ जाएगा। अभी जो है ये प्रोसेस रोक इसलिए दिया गया है क्योंकि आप सभी जो थर्ड सेमेस्टर वाले जो बच्चे आपके जो सीनियर्स है उन सभी के जो एग्जामिनेशन है वो स्टार्ट हो चुके हैं, जस्ट इस कारण की वजह से ये थोड़ा लेट कर रहे हैं, बट कोई आंसर नहीं है, आप नोटिस आ चुका है, अब देखते हैं कि कॉलेज कब खुलता है। और ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, मिलते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिखते बैठने के वीडियो चली गई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करें दोस्तों के साथ जिसके उनके पास भी पहुंच जाए, तब तक के लिए चलते हैं बैठे के, सी यू अगेन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शानदार साथ, जय हिंद।